हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं HAP का चैप्टर नंबर 8, और आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ 2 आवर्स का आपके सिलेबस में दे रखा है। तो इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा माथा पच्ची जिसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाना है। और इस चैप्टर से जो मेन मेन 3-4 क्वेश्चन आते हैं वो आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ ए सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज। अब ये सिस्टम तो आप समझ ही गए होंगे, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है। रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार, ठीक है ना। रेस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, यानी इस काम को ये करता है या करवाता है। ये जो 2 वर्ड्स हैं इनको याद कर लीजिएगा, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। ये जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, इसका पूरे का निचोड़ समझ लीजिए, यही है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस क्या होता है? तो एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान करना। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई सामान है, मेरे पास पैसा है, मैंने आपको पैसा दिया, आपने मुझे सामान दे दिया, तो ये एक्सचेंज हो गया। आपके पास पुराना मोबाइल था, मेरे पास नया मोबाइल था, मैंने आपसे बदल लिया, समझ रहे हैं ना। या इस कमरे के अंदर इस कमरे के अंदर मान लीजिए ऑक्सीजन गैस है और इस कमरे से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मतलब इधर ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, उधर ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आए इधर और इसमें से ऑक्सीजन निकल के उधर जाए, तो ये होता है एक्सचेंजेस। समझ में आ रहा ना, इधर से उधर जाना किसी भी दो चीज़ का, एक चीज से तो होगा नहीं, एक चीज आए और एक चीज जाए, तो ये होता है एक्सचेंजेस ऑफ गैस। तो ये होता है एक्सचेंज। और जब ये ही चीज गैसों में हो, 2 गैस हो या 4 गैस हो, जो भी है, यहां मेनली 2 गैस की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, तो ये जब मतलब इनका आदान प्रदान हो रहा है, इनका एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज। समझ में आ गई बात? तो स्पेशली हम लोग किन गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं? जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका एक्सचेंज होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए से। और किनके किनके बीच में होता है? तो किसके बीच में होता है? बॉडी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये हमारी बॉडी है और ये बाहर का इन्वायरमेंट है, तो इनके बीच में क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए से। जैसे कि मान लीजिए मैं सांस ले रहा हूँ तो अंदर ऑक्सीजन ले ले रहा हूँ, फिर उधर से जब सांस बाहर निकाल रहा हूँ तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है? एक तरीके से गैस का एक्सचेंज हो रहा है। और ये कहाँ पे होता है? मेनली हमारे लंग्स के अंदर होता है। लंग्स में भी हमारे एल्वियोलाई जो होते हैं उनके अंदर होता है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज। तो अगर कोई पूछे कि रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, तो कहेंगे कि रेस्पायरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस के लिए, गैस के आदान प्रदान के लिए। जो रेस्पॉन्सिबल होता है सिस्टम, उस सिस्टम को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और किन गैसेस के लिए? मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहां पे कुछ टर्म्स हैं वो आपको समझना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अगर क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ ले या 2 नंबर का पूछ ले, या मतलब जैसे भी क्वेश्चन आए कि रेस्पिरेशन क्या होता है, इसको डिफाइन करिए, तो क्या कहेंगे आप? कि वो प्रोसेस जिसके अंदर गैस का एक्सचेंजेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जो सिस्टम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन अकर होता है, यानी जो रेस्पिरेशन होता है, अकर होने का मतलब किसी चीज़ का होना, ठीक है ना, अकर का जहाँ पे भी आए समझिए, किसी चीज़ कोई चीज़ परफॉर्म हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन एटमोसफेयर, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वही एटमोसफेयर भी है, ठीक है। तो जो रेस्पिरेशन अकर होता है या जो रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है क्या कहते हैं, एटमोसफेयर और ब्लड के बीच में, और वो कहाँ पे हो रहा हो? लंग्स के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। समझ में आ रही बात? कि हम एटमॉस्फेयर और ब्लड के बीच में जब क्या कहते हैं, गैसेस का आदान प्रदान हो, गैसेस का एक्सचेंजेस हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
एक्सटर्नल रेस्पायरेशन बोलते हैं। दी रेस्पायरेशन अकर्स बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल, और यही अगर गैसेस का एक्सचेंजेस हमारे ब्लड और बॉडी के जो हमारे सेल्स होते हैं उनके बीच में हो तो उसको बोलते हैं इंटरनल या टिश्यू या सेलुलर रेस्पायरेशन। अगर आपसे पूछे कि इंटरनल रेस्पायरेशन क्या होता है तो भी आप यही लिखेंगे, दी रेस्पायरेशन अकर्स बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पायरेशन। या आप अगर ये पूछे कि टिश्यू रेस्पायरेशन क्या होता है तब भी आप यही लिखेंगे, सेलुलर रेस्पायरेशन होता है तब भी आप लिखेंगे यही। हाँ, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि दी एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज अकर्स बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल इज कॉल्ड इंटरनल या टिश्यू या सेलुलर रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन आपको समझ में आ गया, इंटरनल और एक्सटर्नल समझ में आ गया, और अभी ये सारी चीज़ें ना आगे आपको और अच्छे से समझ में आएंगी, साथ में बने रहिए। अब ये कि जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मतलब कौन से पार्ट्स आते हैं, कौन से हमारी बॉडी के टिश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं, कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। ये सिस्टम मतलब किन किन चीज़ों से मिलके बना है, तो इसमें नोज आ जाते हैं, इसमें क्या आता है हमारा नोज आ जाता है, ऐसे क्या है फेरिंग्स जिसको हम लोग थ्रोट बोलते हैं, या क्या लेरिंग्स जो होता है जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, या ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स हैं और लंग्स हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मिलके फिर रेस्पायरेटरी सिस्टम को बनाते हैं। अब इनका आप डायग्राम भी देख लीजिए, स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, ठीक है ना। ये जब आपसे पूछे कि आप रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में एक नोट लिखिए या रेस्पायरेशन पे एक नोट लिखिए, तो आप ये डायग्राम ज़रूर बना दीजिएगा। और अगर पूछे एनाटॉमी ऑफ रेस्पायरेटरी ऑर्गन तो आपको इसको बना देना है, ठीक है। और फिर इसमें जो ऑर्गन है उनको थोड़ा थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे। अब ये रेस्पायरेटरी सिस्टम को थोड़ा सा आप समझिए, फिर उसके बाद इस डायग्राम पे मैं आता हूँ। तो रेस्पायरेटरी सिस्टम में हो क्या रहा है मेनली, कि हम अपने क्या है नोज से या माउथ से क्या है हवा को अंदर लेते हैं, वो हवा हमारे ट्रेकिया से होते हुए हमारे लंग्स में पहुँचती है, उस हवा के अंदर ऑक्सीजन भी होता है और भी बहुत सारी गैसेज होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें ऑक्सीजन ही है और भी बहुत सारे गैसेज होते हैं, वो जाते ट्रेकिया से होते हुए हमारे ब्रोंकियोल हमारे ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में, फिर वहाँ से वो क्या है आगे पहुँचती है एल्वियोलाई के अंदर, और उन एल्वियोलाई के ऊपर क्या होते हैं ब्लड वेसल्स होते हैं, और उस वहाँ पे जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो हवा पहुंची कहाँ पे, हमारे ट्रेकिया से होते हुए हमारे ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स के अंदर, और वहाँ से फिर पहुँच जाती है हमारे एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई के अंदर हवा पहुँच गई है, अब वहाँ पर होता है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज, समझ रहे हैं। अगर पूछे कि मतलब किस जगह पे एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होता है तो क्या बताएंगे, एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर जाके क्या है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होता है। जो हमारा एल्वियोलाई है मान लीजिए ये ऐसे क्या कहते हैं गुब्बारे की शक्ल में है, तो यहाँ पे क्या होता है ब्लड वे सेल्स होते हैं, ठीक है ना। ये इसका एक मेम्ब्रेन है और ये ब्लड वे सेल्स का मेम्ब्रेन है, ये मिले मिले रहते हैं एकदम, समझ लीजिए। तो इधर से ना क्या है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है CO2 बाहर निकलता है, यहाँ से बाहर निकल के आ जाता है, फिर ट्रेकिया से होते हुए नोज से या माउथ से बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है ना। O2 क्या है ज़्यादा मात्रा में है, तो वो इधर से इसके अंदर घुस जाता है, समझ में आ रही बात। और इसको बोलते हैं डिफ्यूज़न, क्या होता है डिफ्यूज़न, आपने पढ़ा होगा। डिफ्यूज़न का मतलब होता है कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाए तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो हायर कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पे कोई चीज़ उसकी मात्रा ज़्यादा है तो वो इधर आ जाएगी, जिसकी यहाँ पे चूंकि उसकी मात्रा कम है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इसकी मात्रा ज़्यादा है यानी हायर कंसंट्रेशन में है, और यहाँ पे जो हमने एयर लिया है, ठीक है ना, बाहर से क्या कहते हैं एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से जो हवा हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर, उसके अंदर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, समझ रहे हैं ना, वहाँ पे कंसंट्रेशन उसकी कम है और यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और ये जो मेम्ब्रेन है ना ये क्या है परमिएबल है, यानी कुछ चीज़ों को उधर जाने देते हैं, कुछ चीज़ों को उधर से आने देते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए से होता है डिफ्यूज़न, समझ रहे हैं ना, यानी हायर कंसंट्रेशन से चीज़ें लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। तो ये होता है आपका रेस्पायरेशन। अब उसको यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को, तो ये आपका क्या है नेजल कैविटी यानी नाक है, यहाँ से हमने हवा तो मतलब ज़्यादातर हम लोग इसी से लेते हैं, माउथ से भी ले सकते हैं, ठीक है ना, जो भी हमारा एयर है तो इन दो रास्तों से जाएगा, और फिर यहाँ से होते हुए ये
लेके आता है हमारे यहाँ एल्वियोलाई के अंदर। अब यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, एक यहाँ पे आपको क्या मिलता है, फेरिंग्स मिलता है। क्या मिलता है? फेरिंग्स। ये वाला जो एरिया होता है ना, तकरीबन ये फेरिंग्स होता है, फिर उसके बाद ये वाला जो एरिया होता है ये लेरिंग्स होता है हमारा, ठीक है ना। वहाँ से फिर यहाँ से जो ये इतना दिख रहा है, यहाँ से इतना ये हमारा हो जाता है ट्रेकिया। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेकिया बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से जो ब्रांच इधर निकलती है इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर ठीक है ना, यहाँ से जब ये इधर इधर ब्रांचेज निकलती हैं इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ये दोनों साइड में है, ठीक है ना। अब इसी को और आगे भी ये निकलते हैं, इनको भी ब्रोंकियोल्स ही बोलते हैं। और फिर एक टाइम पर आता है ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, गोल गोल सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ये एल्वियोलाई, ठीक है। तो यहाँ पे असल में आके एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज होता है, जो मैंने आपको बताया, ये समझ रहे हैं। तो आप इन सबको याद करेंगे। अब एक चीज़ और यहाँ पे ये कि डायफ्राम होता है, ये क्या है? डायफ्राम है। ये बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करता है, क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन के अंदर, ठीक है ना। किस में हेल्प करता है? रेस्पायरेशन के अंदर। अभी आप इसको भी पढ़ेंगे। और ये जो जगह दिख रही है ना दोनों लंग्स के बीच में, इसको बोलते हैं मीडिया स्टेनम। क्या बोलते हैं? मीडिया स्टेनम बोलते हैं। और ये के ये जो मेम्ब्रेन होता है, कभी इसके बारे में पूछ लेता है कि लंग्स के जो मतलब ये कवरिंग करने वाला जो मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं? प्लूरा। यहाँ पे दिया नहीं है, आगे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इतना ही आपको मतलब पढ़ना है, इतना ही याद करना है, इससे ज़्यादा आपके मतलब चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? ये आपके एल्वियोलाई है। क्या है? एल्वियोलाई। ये बहुत सारे होते हैं, एक एल्वियोलाई ये है, ये है, ये कई सारे मतलब क्या है, गुब्बारे जैसे रहते हैं एल्वियोलाई, ठीक है ना। और उन्हीं के पास में क्या है, हमारे ये क्या कहते हैं, नसें होती हैं, कैपिलरीज। यहाँ पे आर्टरीज भी हैं और वेंस भी आती हैं, ठीक है ना। आर्टरीज भी हैं और वेंस भी आती हैं। यहाँ से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और जब वो क्या है, वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी जब उसके अंदर ऑक्सीजन मतलब पहुँच जाता है, तो फिर वो क्या है, इधर से वापस चला जाता है, समझ रहे हैं ना। और ये कहाँ जाता है? हमारे हार्ट के अंदर। कहाँ पे जाता है? जो हमारा इधर कौन सा होता है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये वहाँ से इधर से होते हुए वहाँ पे पहुँच जाता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है ना। यहाँ से जाता है ये। तो ये आप देख रहे हैं ये डायग्राम, इसको बहुत अच्छे से समझिए, मैंने आपको बता भी दिया है। यहाँ से हम ना ये क्या है, हमारे मान लीजिए नोज़ है, और इधर से हमने हवा को लिया, वो ट्रेकिया से होते हुए आ गया कहाँ पे, एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई का सेक है, कहते हैं सेक यानी थैला। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। एल्वियोलाई क्या है? तो एक बैलून जानते हैं ना, गुब्बारा, या आप कह सकते थैले जैसी एक कोई चीज़ है, एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पेस होता है, जहाँ पर हवा आके भर जाए। और ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, नंबर में होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक एल्वियोलाई, ये बहुत सारे होते हैं, समझ रहे ना। तो यहाँ पे जब हवा आ जाती है, तो ये जो हवा आती है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वो क्या होते हैं, हायर कंसंट्रेशन में होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम होती है, लोअर कंसंट्रेशन में होते हैं। इधर से ब्लड आ रहा है, ठीक है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। और ये जो आपका एल्वियोलाई है ना, इसी पे हर एल्वियोलाई के पास में आपका क्या होता है, मतलब ब्लड वेसल्स होता है। यहाँ से ब्लड आया, अब यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, इधर कम है, तो इधर से आप देख रहे हो ना, इधर से इधर क्या है, मूव कर जा रहा है। ये हो रहा है डिफ्यूज़न। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये डिफ्यूज़न हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो यहाँ से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इधर मूव करके चली गई, ये हमारे, और ये चीज़, और ये आपको दिख रहे हैं ये क्या है, ये हमारे RBCs हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो हमारे क्या कहते हैं ऑक्सीजन हो, दोनों को ढोने का काम कौन करता है, हमारा ब्लड तो करता है, लेकिन ब्लड में हमारे जो RBCs हैं वही क्या है, रेस्पॉन्सिबल हैं इसको ढोने के लिए, कैरी करने के लिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी पूरी बॉडी से लेके आने के लिए लंग्स में, और फिर यहाँ से ऑक्सीजन को लेके जाने के लिए पूरी बॉडी में। कौन जिम्मेदार होते हैं, कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं? वो होते हैं हमारे RBCs। क्या होते हैं? RBCs। ये भी याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ लेके मतलब ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कैरी करता है, तो वो कौन करते हैं? हमारे RBCs करते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको RBCs हैं, यहाँ पे ये दिखाया ये जा रहा है कि जब क्या कहते हैं ऑक्सीजन, जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन नहीं होता है हमारे RBCs के पास, उनका कलर ऐसा दिखा रहा है, ठीक है ना, ये आपको क्या कहते हैं नीला नीला सा। फिर जैसे अब फिर यहाँ पे ये क्या है, जब रिमूव हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उधर चला जाता है, तो इसका कलर बदल जाता है, और फिर धीरे धीरे ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के निकलते ही इसका कलर लाल लाल सा होने लगता है, हालांकि रहता है, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए आपको इस तरीके से दिखाया जा रहा है। और फिर जब ऑक्सीजन इसके साथ में आके मिल जाता है, तो पूरा ये क्या होते हैं, रेड रेड से हो जाते हैं। अब इसमें और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं कि यहाँ पर क्या होता है, हेम होता है, ठीक है ना, ग्लोबिन होता है, और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसमें आपको जाना ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है कि किस तरीके से डिफ्यूजन होता है, और फिर किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर निकलता है, और फिर क्या होता है, यहां से ऑक्सीजन अंदर आ जाता है।
जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये फूल जाता है और इसके अंदर हवा आके भर जाती है, और जब फिर मतलब एक्सचेंजेस हो जाता है गैस का, तो फिर हम लोग जब सांस बाहर निकालते हैं तो ये एल्वियोलाई है सिकुड़ती है, समझ रहे हैं ना, ये सिकुड़ेगी ऐसे, तो फिर जो इसके अंदर हवा है वो बाहर चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और भी क्या होता है नाइट्रोजन और भी कई सारी गैसेज होती हैं, सब बाहर चली जाती हैं, समझ रहे हैं। तो ये आपका पूरा फंक्शन था। अब ये कि हम लोग जो आपके ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, हालांकि ये आगे आपको मतलब डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा, एक पूरा आपका चैप्टर है सेंस ऑर्गन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑर्गन है वो क्या है, नोज है। तो ये नोज जो है वो किसका बना रहता है, इट कम्पोज ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है ना। ये मेनली क्या है, बोन हड्डियाँ होती हैं, इसमें आगे हड्डियाँ होती हैं, इधर कार्टिलेज होता है, ठीक है ना। आपने उसको वहां पे भी पढ़ा जब हम लोगों ने क्या कहते हैं बोन्स वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, नेजल कैविटी हैज हेयर्स, और जो हमारा नेजल कैविटी है वहां पे क्या होते हैं, बाल होते हैं, तो आपको मालूम ही है। एंड इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ एपिथेलियम, और क्या कहते हैं, इसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन यानी अंदर वाला जो नोज के अंदर वाला मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, एपिथेलियम टिश्यू का होता है या एपिथेलियम सेल के बने रहते हैं, ठीक है। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला पार्ट होता है या ऑर्गन होता है। और क्या, इट इज ऑल्सो एन ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, और हम लोग कोई सूंघते हैं तो उसके लिए भी यही ऑर्गन काम करता है, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है इसमें रेस्पिरेटरी वाले सिस्टम में, तो ये एयर को फिल्ट्रेशन करता है, उसको ह्यूमिडिफाई करता है, यानी उसको मॉइस्ट मतलब ये कि थोड़ा उसको नम कर देता है, ठीक है ना। मॉइस्टनिंग का मतलब उसको नम करता है, ह्यूमिडिफाई करता है, और क्या है उसको गर्म करता है, एयर को क्या करता है, गर्म करता है, तो ये इसका काम है। उसके बाद क्या कहते हैं, दूसरा जो मतलब ऑर्गन है वो है फेरिंग्स, इट इज ए मस्कुलर ट्यूब, ये क्या है, एक मसल्स से बना हुआ ट्यूब है, ट्यूब तो जानते ही हैं, ठीक है ना, ट्यूब है ये, ट्यूब, ये ट्यूब हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है दैट वर्क्स एज ए कॉमन पाथवे फॉर बोथ एयर एंड फूड, और ये क्या है, कॉमन पाथवे है, पाथवे मतलब रास्ता है, कॉमन है, किसके लिए, एयर के लिए भी और फूड के लिए भी, यानी हम लोग हवा लेते हैं तो वो भी यहाँ से होके जाता है, खाना खाते हैं तो वो भी यहाँ से होके जाता है, उसी को बोलते हैं कॉमन पाथवे है ये, ठीक है। अब इसमें ना तीन मतलब मेन इसको बांटा गया है, एक होता है इसका नेजोफेरिंग्स, दूसरा होता है ओरोफेरिंग्स, और तीसरा होता है हाइपोफेरिंग्स। और इस हाइपोफेरिंग्स को आप क्या है, लेरिंजोफेरिंग्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेरिंजोफेरिंग्स भी बोलते हैं। अब ये देखिए, ये नाक से जो मतलब करीब है ना, ये पीला वाला हिस्सा, तो उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, और ये जो हरा वाला दिख रहा है आपको, ये क्या है, हमारा ओरल है ना, ये माउथ, माउथ कैविटीज को ओरल भी बोलते हैं, तो उसके जो मतलब उसके पीछे या उससे मिला हुआ उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, और उसके बाद ये जो नीचे वाला है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स या लेरिंजोफेरिंग्स, इट इज प्रेजेंट नियर टू लेरिंग्स, ये जो क्या है लेरिंग्स से के करीब में होता है, ठीक है ना, तो इस वाले को बोलते हैं हम लोग लेरिंजोफेरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स भी बोलते हैं इस वाले एरिए को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा जो, अब इसका फंक्शन क्या है लेरिंग्स का, अब ये जो फेरिंग्स है इसका फंक्शन क्या है, तो ये क्या है, एक कॉमन पाथवे है एयर के लिए भी और फूड के लिए, यानी अंदर ले जाने के लिए, दोनों के लिए एक कॉमन रास्ता है ये। इट हेल्प्स इन मॉइस्टनिंग एंड वार्मिंग द एयर, जो नाक का जो काम था ना वही काम इसका भी है, उसको क्या कहते हैं, मॉइस्चराइज करता है और उसको गर्म करता है, और क्या है, फिल्टर करता है एयर को, और क्या है, फेरेंजियल टोन्सिल, यहाँ पे टोन्सिल होते हैं ना हमारे दोनों साइड में, उसको बोलते हैं फेरेंजियल टोन्सिल्स, या उसको हम लोग एडिनॉइड्स भी बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, पैथोजन को रोकते हैं, ठीक है ना, ये फ्रोम नहीं है, ये फॉर्म से नहीं है, फ्रोम है, क्या है, फ्रोम, फ्रॉम इंटरिंग इनटू बॉडी, बॉडी के अंदर एंटर होने से रोकते हैं, वो अपने अंदर खींच लेते हैं, पैथोजन वगैरह जाते हैं अगर इधर से तो वो क्या करते हैं, मतलब तरीके समझिए मैग्नेट की तरह से हैं, वो खींच लेते हैं अपने पास में इनको, पैथोजन वगैरह को अगर अंदर जाएं तो, एयर के साथ अगर साथ में जाते हैं उसको खींच लेते हैं वो। तीसरा जो ऑर्गन है हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो क्या है, लेरिंग्स है। देखिए जो बात है, जो मेन टॉपिक था वो आपको मैंने पढ़ा दिया है, थोड़ा सा और लास्ट में कुछ मेन टॉपिक्स हैं, आपके सिलेबस में पूछ रखा है एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं पढ़ाता नहीं इसको। तो ये जो लेरिंग्स है, इट इज़ मेड ऑफ सेवरल कार्टिलेज, ये बहुत सारे कार्टिलेज से मिलके बना रहता है, जैसे कि थायरॉइड कार्टिलेज हो गया, एडम्स एप्पल कहिए आप उसको, और क्या होता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज भी होता है इसके अंदर, एंड ए ग्रुप ऑफ स्मॉलर कार्टिलेज, और कुछ छोटे छोटे और कार्टिलेज होते हैं, और फिर एक क्या होता है, एपिग्लोटिक्स होता है, इसके बारे में पूछ लेता है एपिग्लोटिक्स क्या होता है। तो ये समझिए एक तरीके से ये दरवाजे का काम करता है, यानी जब हम लोग कोई खाना वगैरह खाते हैं तो वो जाके मतलब जो हमारा ट्रेकिया वाला रास्ता है, एयर वे जो है उसको बंद कर देता है, और जब हम लोग सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, तो वो उसको क्या है, खोला रखता है ताकि हवा अंदर चली जाए। एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे,
ये आपको दिख रहा है, ये जो है ना, ये ट्रेकिया है। ये क्या है? ट्रेकिया, जिससे हवा जाती है हमारे लंग्स में, और उसी के पीछे ये क्या एसोफेगस है, जो हम लोग खाना खाते हैं तो खाना इधर से जाता है, समझ रहे हैं? इधर से क्या है, खाना जाता है। तो यहाँ पे ना, ये क्या कहते हैं, ये समझिए, यहाँ पे एक मतलब क्या कहते हैं, डोर जैसा, या एक क्या कहते हैं, मसल्स का बना हुआ एक टिश्यू है, जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये बंद हो जाता है इधर से, तो खाना इधर चला जाता है, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये खुल जाता है, समझ रहे हैं? जब सांस लेते हैं ये खुल जाता है और हवा इधर आ जाती है, फिर जब हम लोग खाना खाते हैं ये बंद कर देता है, समझ रहे हैं ना? तो ये एक सिस्टम होता है, इसकी मैं एक छोटी सी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस चैनल पर नहीं, वरना कॉपीराइट का क्लेम लग जाएगा। उसको मैं दिखाऊंगा आपको कहीं दूसरे चैनल पर डाल के, ताकि वहाँ पर अगर कॉपीराइट का क्लेम भी लगे तो दिक्कत ना हो, ठीक है ना? तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो एपिग्लोटिक्स वो होता है, तो ये आपको समझ में आ गया ना, दोनों ये आमने सामने होते हैं। ये जो सामने होता है ये हमारा क्या होता है, ट्रेकिया होता है। ये जो सामने जो हड्डी दिखती है ना, ये जो पाइप है वो ट्रेकिया होता है, और इसी के पीछे एसोफेगस होता है, जो खाने वाली नली होती है। खाने वाली नली आगे नहीं होती बल्कि इसके पीछे होती है। तो समझ में आ गया, जो लेरिंग्स होता है उसी में, उसी का एक हिस्सा होता है हमारा एपिग्लोटिक्स, ठीक है ना? एपिग्लोटिक्स इज ए पार्ट ऑफ लेरिंग्स, इट एक्ट्स एज ए डोर ऑफ ट्रेकिया। ये ट्रेकिया पे एक तरीके से दरवाजे का काम करता है। इट क्लोजेज द एयरवेज, ये क्या है, एयरवेज को बंद कर देता है ड्यूरिंग पासेज ऑफ फूड एंड लिक्विड। जब हम लोग खाना खाते हैं या पानी वगैरह पीते हैं तो उसको ये बंद कर देता है, और जब क्या कहते हैं, हम लोग हवा लेते हैं तो उस वक्त में इसको ये खोल देता है। लेरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, लेरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना? इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड, और इसके पास क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स होता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड और स्पीच। और जो कि जो ये वोकल कॉर्ड्स है, यही क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, साउंड के लिए। मैं बोल रहा हूँ जो साउंड मतलब क्रिएट हो रही है, ठीक है ना, या स्पीच कोई दे रहा है, बात जो करता है आदमी, तो वो कौन मतलब उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन निकलवाता है, तो वो होता है वोकल कॉर्ड, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, तो साउंड प्रोडक्शन के लिए काम आता है। इट प्रोवाइड्स ए पाथवे फॉर एयर, ये एयर के लिए एक मतलब पाथवे देता है, एक रास्ता देता है, कौन, लेरिंग्स। ऐसे क्या है, इट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन मॉइस्चरिंग एंड वार्मिंग ऑफ एयर, ठीक है ना? ये तो मेन क्या है, सब में इस सबका ये फंक्शन है, समझ लीजिए। उसके बाद आता है ट्रेकिया। वैसे इन सब के बारे में मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर आपको एक नोट पूछे तो आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना? अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे, राइट द एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चौथा क्या है, ट्रेकिया, इट इज ए वाइंड, इट इज ए विंड पाइप, ये क्या है, एक हवा की पाइप है, ठीक है ना? हवा की क्या है, ये पाइप है, जिसको ट्रेकिया बोलते हैं हम लोग। एंड कंपोज ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज, और कार्टिलेज के रिंग से ये बना रहता है, ठीक है ना? ये रिंग से जैसे रहता है ना, ऐसे दिखा रहता है। टू मेंटेन एन ओपन पैसेज, ताकि ये क्या है, रास्ते को मतलब खुला रखे। अगर ये कार्टिलेज ना हो तो, अगर जो खाली मसल्स हैं तो चिपक जाएंगे ऐसे, हवा जा ही नहीं पाएगी, तो इसलिए ये कार्टिलेज वाले मतलब कार्टिलेज लगाया जाता है, ये नरम हड्डी होती है, ताकि वो रास्ते को खुला रखे, ठीक है ना? और इस पर फिर क्या है, ये तो मतलब कार्टिलेज की हड्डियाँ हो जाती हैं, और इस पर फिर क्या होता है, मसल्स रहते हैं ऐसे ऐसे पूरा, मतलब चारों तरफ से वो कवर करके रखते हैं। इसका फंक्शन क्या है, तो ये क्या है, इट प्रोवाइड्स ए लार्ज वे फॉर एयर पासेज, एयर के जाने के लिए एक बड़ा रास्ता प्रोवाइड करता है ये। इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन सेक्रेट्स म्यूकस, और इसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, म्यूकस को सिक्रेट करता है, यानी निकालता है, रिलीज करता है। विच हेल्प्स इन रिमूविंग दी डस्ट पार्टिकल्स, जो कि डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने में काम करता है, ठीक है ना? या पैथोजन वगैरह है तो उसको रिमूव करता है, किसमें से, एयर्स में से। जब एयर किसमें से, एयर में से, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये जब हवा इधर से जाती है तो यहाँ पे म्यूकस निकलता रहता है, ठीक है ना? जैसे देखते हैं ना, बहुत सारे लोगों को बलगम वगैरह आता है सफ़ेद सफ़ेद सा, तो वो क्या होता है, जैसे कि डस्ट पार्टिकल वगैरह चले गए, या क्या कहते हैं, कोई पैथोजन वगैरह जा रहा है, तो ये उसको अपनी तरफ खींच लेता है, चिपका लेता है अपने अंदर, फिर आदमी को खांसी वगैरह आती है और वो बाहर निकलता है, गले की खिचखिच जो होती है, तो वो ये म्यूकस क्या करते हैं, डस्ट वगैरह को खींच लेते हैं अपने पास, ठीक है ना? ऐसे ही क्या है, ये एयर को क्या कहते हैं, मॉइस्चराइज करता है, उसको मॉइस्टेन करने मतलब उसको मॉइस्चराइज करता है, ठीक है ना? अब आगे आते हैं ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। तो इसे अब मैंने आपको बताया, ट्रेकिया से आगे ब्रोंकाई जो होता है, जो रास्ता है, और उससे आगे जो होता है वो ब्रोंकियोल्स होता है। तो ब्रोंकाई आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ये भी कार्टिलेज से बने होते हैं। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड एंड फॉर्म्स ब्रोंकियोल्स, और ये आगे और ब्रांच जो होता है, ठीक है ना, डिवाइडेड होता है, तो वहाँ से क्या होते हैं, ब्रोंकियोल्स बनते हैं। ब्रोंकियोल्स लैक कार्टिलेज रिंग्स, और ब्रोंकियोल्स में ना कार्टिलेज की रिंग्स कम होती हैं, ठीक है ना? मेनली कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स, जो ब्रोंकियोल्स होते हैं वो मेनली स्मूथ मसल्स के बने होते हैं, कार्टिलेज होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं।
ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड इनटू नंबर ऑफ टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, और ये जो ब्रोंकियोल्स हैं ये और ज़्यादा आगे डिवाइड होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, उसको क्या बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, और वो क्या फर्दर आगे और डिवाइड होते हैं, ठीक है ना, रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, यहाँ पे एस छूट गया है, एस बढ़ा लीजिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स, यानी जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं ये और ज़्यादा आगे जाके डिवाइड होते हैं उसको बोलते हैं रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स विच आर कनेक्टेड विद एल्वियुलर डक्ट्स, और जो क्या कहते हैं ये रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स है ये आगे जाके कनेक्टेड किससे होते हैं एल्वियुलर जो डक्ट्स हैं, यानी जो एल्वियुलाई तक पहुंचने वाला डक्ट है जो नली है वहां तक कनेक्ट होते हैं और उसके आगे फिर क्या होता है एल्वियुलाई आता है। इसका फंक्शन क्या है, दे रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर, ये मतलब रेगुलेट करते हैं कि कितना एयर अंदर जाना चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा जाए या कम जाए उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है ना, बाय चेंजिंग देयर डायमीटर, या अपने डायमीटर को कम भी कर लेते हैं ज़्यादा कर लेते हैं, समझ रहे हैं ना, डायमीटर को कम ज़्यादा करके रेगुलेट करते हैं। दे वार्म एंड ह्यूमिडिफाई द इनहेल्ड एयर, जो एयर है उसको मतलब जो हमने अंदर लिया है उसको ह्यूमिडिफाई करते हैं यानी मॉइस्चराइज करते हैं, उसको गर्म करते हैं। दे हेल्प्स इन रिमूविंग डस्ट एंड पैथोजन, ये भी डस्ट को और पैथोजन को रिमूव करने में काम करते हैं, और ये क्या है क्या कहते हैं जेनरेट कफ रिफ्लेक्सेज, और ये कफ रिफ्लेक्सेस को जनरेट करते हैं, कफ रिफ्लेक्सेस का मतलब ये कि आदमी को खांसी आती है ना उसी को बोलते हैं कफ रिफ्लेक्सेस, आदमी को जैसे जब यहाँ लगता है कि कुछ फंस रहा है तो वो जो सिस्टम है वो हमारे मेडुला से जुड़ा रहता है एक तरीके से, तो फिर आदमी को खांसी आती है ताकि जो इसमें मतलब डस्ट वगैरह है जो भी म्यूकस वगैरह जमा हो गया उसको निकाला जाए बाहर। अगला क्या है लंग्स, तो लंग्स क्या है, लंग्स आर कॉन शेप्ड लोब्स, ये क्या कॉन शेप के क्या है लोब्स होते हैं, तो ये आपने लंग्स को देखा ना ऊपर ऐसे थोड़ा सा कोना जैसा बना रहता है, ठीक है ना, ऐसे कोना जैसा थोड़ा सा बना रहता है तो उसी को बोल रहे हैं कॉन, जैसे कि आपने देखा होगा क्या कहते हैं डबल कॉन ब्लेंडर, उसमें भी दोनों साइड में तरीके से देखिए तो कॉन कॉन जैसे हम लोग बोलते हैं ना कॉन कोना जैसा निकला रहता है, तो ठीक है आपने इसका स्ट्रक्चर देख लिया है। दीज देयर आर, ये दीज नहीं है कि ये देयर आर टू लंग्स, यहाँ दो लंग्स होते हैं या एक ये के पेयर में होता है लंग्स, एक इधर साइड में एक इधर साइड में। द राइट लंग हैज थ्री लोब्स, जो राइट वाला होता है यानी इधर साइड वाला जो है उसमें क्या होता है तीन लोब्स होते हैं, थ्री लोब्स होते हैं, और जो लेफ्ट वन यानी जो क्या कहते हैं बायां वाला है यानी इधर वाला जो है उसमें दो लोब्स होते हैं। अब इसकी वजह क्या है कि एक साइड में ना मतलब हमारा हार्ट होता है तो उसकी वजह से एक साइड का जो लंग्स होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, समझ रहे हैं ना, लेफ्ट लंग इज स्मॉलर, जो हमारा लेफ्ट साइड वाला पल्मोनरी है या लंग है वो क्या होता है स्मॉलर होता है राइट वाले से, इसलिए कि वहाँ पे कार्डियक नोच होता है। कार्डियक नोच मतलब ये कि वो जगह जैसे कि मान लीजिए ये लंग्स है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसे दिखेगा थोड़ा सा अंदर, ठीक है ना, ये नोच इसको बोलते हैं, ये ऐसे आ रहा है थोड़ा सा ये अंदर, तो यहाँ पे हमारा हार्ट होता है, ठीक है ना, ये मान लीजिए हार्ट है तो इसकी वजह से ये वाला थोड़ा सा छोटा होता है जो हमारा लेफ्ट वाला होता है, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं कार्डियक नोच, क्या बोलते हैं कार्डियक नोच बोलते हैं। देयर इज एन एरिया बिटवीन द लंग्स कॉल्ड, ये एम नहीं है, ये यहाँ से पूरा इधर आएगा। देयर इज एन एरिया बिटवीन लंग्स कॉल्ड मीडिया स्टेनम, मैंने आपको बताया ना जो बीच में जगह होती है उसको बोलते हैं मीडिया स्टेनम, एंड इट इज ऑक्यूपाइड बाई हार्ट, और ये जो जगह होती है ना इसमें हार्ट होता है हमारा, क्या होता है ये जो बीच वाली जगह होती है ऐसा नहीं कि खाली हो, वहाँ पे क्या होता है हार्ट होता है और क्या होता है ब्लड वेसल्स होते हैं और इसी में ट्रेकिया भी होता है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियोल्स भी होते हैं, समझ रहे हैं, और क्या एसोफेगस होता है, लिम्फ नोड्स भी होते हैं, लिम्फ वेसल्स भी होते हैं एंड नर्व्स होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से ही मतलब निकल के जा रहे हैं, समझ लो, ये तो खाली नहीं होता है, बस ये कि दोनों के बीच में जगह है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, ठीक है। द मेम्ब्रेन कवर्स द लंग फ्रॉम आउटसाइड इज प्लूरा, यहाँ पे कर लीजिए या इज कॉल्ड या नोन, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं जो मतलब ये लंग्स हमारे तो ये बाहर से जो मेम्ब्रेन इसको कवर कर रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका फंक्शन क्या है, तो द मेन फंक्शन ऑफ लंग इज रेस्पायरेशन, इसका मेन फंक्शन क्या है रेस्पायरेशन है, यही तो असल मेन ऑर्गन है रेस्पायरेशन, ठीक, यही तो असल मेन ऑर्गन है रेस्पायरेटरी सिस्टम का, जहाँ पे रेस्पायरेशन होता है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज होता है, कहाँ पे होता है लंग्स में होता है हमारे, तो दे रिलीज, और इनका तो सबसे मेन फंक्शन ये हो गया रेस्पायरेशन, ठीक है ना, रेस्पायरेशन मतलब एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज, और क्या है दे रिलीज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और क्या है ये एक एंजाइम भी रिलीज करता है हमारे लंग्स जो हैं, ये क्या है एक एंजाइम भी रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है जो कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करता है,
जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करता है। अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्या है, सेकेंड क्या है, ये आगे आप पढ़ेंगे, मैं केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको, उसका पूरा एक मतलब फंक्शन है। जो आपने पढ़ा होगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो उसमें एक दवा आती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम इनहिबिटर, तो इसी इंजाइम को वो रोक देते हैं, ठीक है ना, इस इंजाइम को पे काम करते हैं और इसको काम करने से रोक देते हैं, ठीक है। तो और क्या है, दे सिक्रेट इम्यूनोग्लोबिन ए, और ये जो हमारे लंग्स हैं इनका एक काम यह भी है कि ये इम्यूनोग्लोबिन को भी मतलब रिलीज करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन ए को रिलीज करते हैं, ये हमारा इम्यून सिस्टम होता है एक तरीके से। और क्या है, दे फिल्टर स्मॉल ब्लड क्लॉट्स, और अगर छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स आते हैं तो उसको ये फिल्टर भी करते हैं, ठीक है। तो ये लंग्स के हमारे क्या है, फंक्शंस हैं। अब एक चीज़ और है, रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन, यानी रेस्पायरेशन कैसे मतलब परफॉर्म होता है उसको थोड़ा सा आपको समझना है। तो दे, ये दे नहीं है, ये क्या है, वाई हटा दीजिए। द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस, जो मतलब रेस्पायरेशन है यानी हम सांस ले रहे हैं, बाहर जा रहा है, तो ये तो आपको ऐसे लग रहा है ना, लेकिन उसके पीछे कुछ मैकेनिज्म है, कैसे हो रहा आखिर ये, आखिर ये सांस अंदर क्यों आ जा रही है, मतलब हवा अंदर कैसे आ जा रही है, फिर वापस क्यों चली जा रही है, क्या मैकेनिज्म इसके पीछे, वही आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो दो मेन मैकेनिज्म है, एक क्या है इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन। क्या है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है ना, जिसको हम लोग इनहेलेशन या एक्सहेलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये डायफ्राम का इसमें एक बड़ा रोल होता है, ये डायफ्राम दिख रहा है ना, इसका एक बड़ा रोल होता है, ठीक है ना, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो जब हम लोग सांस अंदर की तरफ लेते हैं, जब हम लोग सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो जो हमारा डायफ्राम है कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब ये रिलैक्स होता है तो फिर ये ऊपर की तरफ ऐसे समझ ले ढकेलता है, या उसी को हम लोग कह सकते हैं कि एक्सपायरेशन, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर ये नीचे की तरफ आ जाता है, होगा तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। तो ये जो डायफ्राम है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में, ठीक है ना, हवा को अंदर लेने में और बाहर निकालने में। एक चीज़ और होती है यहाँ पे, क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं उनको, ठीक है ना, इंटरकोस्टल मसल्स, वो भी इसके अंदर काम करते हैं, लेकिन जो डायफ्राम है उनका मतलब क्या कहते हैं रोल बहुत ज़्यादा अहम होता है। अब ये दोनों जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इसको देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम एटमोसफेयर इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। जब हम लोग एयर को लेते हैं अपने एटमॉस्फेयर से अंदर लेते हैं, एटमॉस्फेयर इससे हवा को अंदर लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेशन। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, मैंने आपको बताया कि जो डायफ्राम होता है, जब हम लोग इंस्पायरेशन कर रहे हैं यानी हवा को अंदर लेते हैं, तो उस वक्त में ले पाते हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड मूव्स डाउन, और नीचे की तरफ क्या है वो मूव कर जाता है, ठीक है ना, मूव्स डाउनवर्ड और नीचे की तरफ मूव्स कर जाता है। एंड अलोंग विद डायफ्राम द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स, और इसी के साथ में क्या है, जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, ठीक है ना, जो मतलब इंटरकोस्टल मसल्स जो हमारे लिप्स पे, जो हमारे रिब्स हैं ना, वहाँ पे जो मसल्स होते हैं उनकी बात हो रही है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, दिस प्रोसेस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, ठीक है ना। तो जब ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी मतलब ये जो हमारे रिब्स के अंदर वाला हिस्सा है समझिए, उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। तो वहाँ का जो मतलब वहाँ की जो जगह है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इंक्रीज द वॉल्यूम, यानी स्पेस ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी के स्पेस को ये क्या है, बढ़ा देता है। एंड इन दिस वे द एयर प्रेशर ऑफ लंग्स डिक्रीज, और इस तरीके से जो मतलब हमारे लंग्स के अंदर का एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले में, यानी बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसके मुकाबले में हमारे क्या है, लंग्स का या थोरेसिक का आप कह सकते हैं, थोरेसिक कैविटी का प्रेशर कम हो जाता है। तो हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, समझ में आ रहा है, बाहर प्रेशर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर कम हो रहा है, तो हवा क्या होगी, अंदर आ जाती है, इसको बोलते हैं यहाँ पे समझिए डिफ्यूजन हो रहा है, समझ में आ रही है, डिफ्यूजन हो रहा है हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और जब फिर क्या होता है, ये रिलैक्स होते हैं तो फिर क्या होता है, प्रेशर अंदर का कम हो जाता है, और जब प्रेशर कम होता है अंदर का तो हवा क्या होती है, बाहर निकल जाती है, तो वो हो जाता है हमारा एक्सपायरेशन, ठीक है ना। यही सारा प्रोसेस उसका उल्टा यहाँ पे कर लीजिए, तो वो हो जाता है हमारा क्या, एक्सपायरेशन। अब ये जो नोट यहाँ पे लिखा हुआ है,
कि व्हेन बोथ प्रोसेस इज कम्प्लीटेड, जब दोनों प्रोसेस कम्प्लीट होते हैं यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, वन साइकिल ऑफ रेस्पायरेशन अकर, तो उसको बोलते हैं कि एक रेस्पायरेशन का साइकिल हो गया है, ठीक है ना, एक रेस्पायरेशन का साइकिल कम्प्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 15 साइकिल ऑफ रेस्पायरेशन अकर्स पर मिनट, एक मिनट के अंदर कितने साइकिल होते हैं यानी रेस्पायरेशन के कितने साइकिल होते हैं, तकरीबन 15 साइकिल होते हैं, यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों मिला के हमारा बन रहा है क्या, रेस्पायरेशन। तो एक मिनट के अंदर कितने रेस्पायरेशन साइकिल होते हैं, तकरीबन 15, किसके अंदर, जो एक हेल्दी एडल्ट है। अब एक टॉपिक है रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। अब ये जो रेस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ये क्या है, तो ये मतलब चेक करने के लिए, मतलब ये समझिए मतलब टूल्स हैं या कुछ पैरामीटर्स हैं कि किसी का आदमी का लंग्स ठीक है, हेल्दी है या नहीं है, समझ रहे ना, उन्हीं पैरामीटर्स को हम लोग बोलेंगे रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, यानी वो किस हद तक काम करने के कैपेबल हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ठीक है ना, किसी जैसे कि आपने पढ़ा होगा LFT, KFT, ऐसे क्या है, PFT है, पल्मोनरी फंक्शन यानी लंग्स फंक्शन टेस्ट है। तो इसमें कई सारे क्या है, मतलब अलग अलग टेस्ट होते हैं ये देखने के लिए कि लंग्स कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, हाउ वेल लंग्स टेक्स इन एंड आउट द एयर, और उसमें ये देखा जाता है कि मतलब हाउ वेल, कितने अच्छे से जो हमारे लंग्स हैं वो एयर को अंदर ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, यानी इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, एंड हाउ एफिशिएंटली दे ट्रांसफर ऑक्सीजन इनटू द ब्लड, एंड हाउ एफिशिएंटली दे ट्रांसफर ऑक्सीजन इनटू ब्लड, और कितने अच्छे से वो क्या है ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर पा रहे हैं, यानी एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस कर पा रहे हैं। अब उसके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो एक है टाइडल वॉल्यूम, एक पैरामीटर है ये, जिसको चेक किया जाता है कि टाइडल वॉल्यूम कितना है। तो ये टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मली आदमी सांस ले रहा है, ठीक है, नॉर्मली मैं खड़ा हूँ और सांस ले रहा हूँ नॉर्मली, तो कितना मतलब वो उसका वॉल्यूम है, ठीक है ना, एयर कितना एयर मैं ले रहा हूँ वो होता है हमारा क्या होता है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वो कितना होता है, नॉर्मली इसको ml में नापा जाता है, ठीक है ना, तो कितना होता है 500 ml होता है। उसके बाद आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड बाय फोर्सफुल इनहेलेशन एबव द टाइडल वॉल्यूम, हमारा टाइडल वॉल्यूम ये है, यानी नॉर्मली हम जितना कर रहे हैं, ठीक है ना, जितना एयर ले रहे हैं, लेकिन ये कि मैं खूब ताकत लगा के फोर्सफुली कितना एयर मैं अपने अंदर ले पा रहा हूँ इस टाइडल वॉल्यूम के ऊपर, और तो उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है ना, IRV। तो वो कितना होता है, 18 से 2000 के बीच में होता है नॉर्मल एक हेल्दी आदमी का। उसके बाद आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV, the amount of air breathed out by forceful expiration above the tidal volume। ये कह रहे जो tidal volume है उसके ऊपर हम जब सांस, एक तो ये कि normally मैं जितना बाहर निकाल रहा हूँ, एक ये कि मैं forcefully बहुत पूरी ताकत लगा के सांस को बाहर निकाल रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, तो वो कितना है उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, समझ रहे हैं, मैं फोर्सफुली यानी पूरी ताकत से बाहर निकाल रहा हूँ, एक तो जैसे कि नॉर्मली निकालते हैं, लेकिन एक पूरी ताकत से जब चेक करते हैं तो इस तरीके से करवाएंगे आपको, ठीक है ना। तो वो कितना होता है हमारा, 1400 ml होता है तकरीबन। और एक चौथा आता है रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है ना, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेंस इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। ये कह रहे हैं कि मैं पूरी ताकत से क्या है, पूरी ताकत से मतलब क्या कहते हैं एयर को बाहर निकाल रहा हूँ, ब्रेथ आउट कर रहा हूँ, उसके बाद भी कुछ मतलब अमाउंट एयर का बच जाता है हमारे लंग्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं रेजिडुअल। रेजिडुअल मतलब जो बचा हुआ है, तो कितना होता है 1200 से 1500 ml होता है, कितना 1200 से 1500 ml होता है जो मतलब बचा रहता है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अब एक होता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है, द सम ऑफ द अमाउंट ऑफ एयर दैट इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड बाय द मोस्ट पावरफुल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज नॉन एज द वाइटल कैपेसिटी। क्या है द वाइटल कैपेसिटी, क्या है, हम फोर्सफुली हवा को अंदर ले रहे हैं फोर्सफुली यानी पूरी ताकत से, और पूरी ताकत से उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो इन दोनों का सम जो हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए मैंने 1 लीटर हवा को अंदर लिया और मतलब पूरी ताकत से जब किया, और जब निकाला तो पूरी ताकत से, तो हमने 800 क्या कहते हैं मतलब ml को बाहर निकाला, तो इन दोनों का सम जो हो रहा है उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो नॉर्मल कितना होता है, 3 से 5 लीटर होता है ये, ठीक है। अब एक अगला है टॉपिक है
टोटल लंग्स कैपेसिटी TLC कितना होता है, द सम ऑफ वाइटल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल कैपेसिटी, जो वाइटल अभी आपने पढ़ा और जो रेजिडुअल कैपेसिटी आपने पीछे पढ़ा, उन दोनों का जो सम होता है उसको बोलते हैं TLC, ठीक है ना, टोटल लंग्स कैपेसिटी। सारी चीज़ों को चेक किया जाता है, तो जिस मशीन के जरिए से ये सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उसको बोलते हैं स्पायरोमेट्री। उसको क्या बोलते हैं, स्पायरोमेट्री, जिस मशीन के जरिए से, जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए से जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, स्पायरोमेट्री मशीन बोलते हैं। इसको आपके मुंह में लगा देते हैं और फिर कहते हैं जैसे ये है और कहते हैं सांस लीजिए, सांस बाहर निकालिए, समझ रहे हैं ना। तो ये जो आपने सारे पढ़े हैं ये क्या है, आपके मतलब लंग्स के टेस्ट होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब फिजियोलॉजी एंड मैकेनिज्म और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन, ठीक है ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फिजियोलॉजी बताइए ब्रीदिंग की, या आपसे ये पूछता है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन को एक्सप्लेन करिए। उसके बाद है एनलिस्ट रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, उनको क्या है एनलिस्ट करना, सिर्फ उनके नाम लिखना, लेकिन कभी ऐसे कह सकता है कि इसको आप एक्सप्लेन करिए। फिर ऐसे इसमें से एकाध को दो नंबर का या तीन नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाइटल कैपेसिटी क्या, उसको डिफाइन करिए, या टाइडल वॉल्यूम क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या है। अभी जो लास्ट मैंने आपको पढ़ाया तो उसको देख लीजिएगा, वहां से एक दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। महाराष्ट्र में क्या पूछा गया इससे, तो इसमें पूछा गया नेम द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना, जो अलग अलग रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं वो खाली उनके नाम बताने थे। उसके बाद हो सकता है तीन नंबर का क्वेश्चन रहा हो। उसके बाद एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कर्नाटका के अंदर पूछा गया, राइट ए नोट ऑन लंग्स, लंग्स पे एक नोट लिखना है, पूरा छाप दीजिएगा, ठीक है ना। BTU में इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। गुजरात में पूछा गया डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन इन ब्रीफ, ब्रीफली आपको क्या है रेस्पायरेशन की फिजियोलॉजी बताना है। तो यही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन। कभी यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सटर्नल रेस्पायरेशन क्या होता है और सेलुलर या क्या इंटरनल रेस्पायरेशन क्या होता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।